टुडे इज आवर ज्योग्राफी सब्जेक्ट एंड वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर विद द फर्स्ट चैप्टर विच इज नोन एज रिसोर्सेज. ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए एंड कम टू पेज नंबर 5. वी विल स्टार्ट एट दिस आवर चैप्टर रिसोर्सेज. नाउ सबसे पहले हम जानते हैं रिसोर्सेज होता क्या है. ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमको फ़ायदा दे. ठीक है, जैसे कि ऑल एलिमेंट, उसकी डेफिनेशन पहले मैं आपको सुना देती हूँ. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट विच ह्यूमंस नीड एंड वैल्यू कैन बी कॉल्ड रिसोर्सेज. ठीक है, तो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है. एयर, वाटर, फूड, ये सब क्या हुआ? रिसोर्सेज. ठीक है, जो भी हमारा काम जिससे बन जाए. ठीक है, रिसोर्सेज कम फ्रॉम आर एनवायरनमेंट विच इज़ मार्क्ड बाय आर इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस. ठीक, तो ये हमारे एनवायरनमेंट में हमें जो मिलता है, या तो ये नेचुरल भी हो सकता है या ह्यूमन मेड हो सकता है. ठीक है, द रिसोर्सेज आर फाउंड इन ऑल द फोर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, नेमली लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोसफेयर एंड बायोस्फेयर. ठीक है, मैनी इंटरैक्शन जस्ट हैपन वाइल अदर्स कम अबाउट थ्रू केयरफुल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. ठीक है, कुछ इंटरैक्शन हम करते हैं एनवायरनमेंट से जिसके वजह से हमको रिसोर्स मिलता है, वो कभी कभी इट इज़ सडन, मगर कभी कभी इन सम केसेस इट इज़ फॉर ड्यू टू केयरफुल प्लानिंग. ठीक है, जैसे हम कोल बनता है, ठीक है, और नेचुरल गैस बनाते हैं, ये सब भी रिसोर्सेज हैं दैट आर ह्यूमन मेड. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग केयरफुल प्लानिंग करते हैं. ठीक, द सेकेंड क्वेश्चन इज वाई आर दे इम्पॉर्टेंट. दे आर रियली इम्पॉर्टेंट एज द डेफिनेशन इट सेल्फ सेज, दे आर इम्पॉर्टेंट टू अस, दे आर यूजफुल टू अस. ठीक है, जो भी ह्यूमन का काम करा ले दैट इज नोन एज रिसोर्स. ओके, नाउ वॉट इज़ द यूजफुलनेस ऑफ रिसोर्स. ठीक, तीन पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इट इज़ यूटिलिटी. ठीक है, द यूजबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज टर्म्ड एज यूटिलिटी. जैसे हम रिसोर्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, दीज सब्सटेंसेज आर यूज बाई पीपल फॉर वन और अदर पर्पज. सेकेंड पॉइंट, वैल्यू होता है इसका. द यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज गिव्स देम वैल्यू और इन अदर वर्ड्स दे हैव सम वर्थ. ठीक है, उसके यूज़ की ही वजह से रिसोर्स को कुछ वैल्यू मिलती है. ठीक है, थर्ड पॉइंट, वैल्यू इन फ्यूचर. अब कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमको प्रेजेंट में हेल्प नहीं कर रहे होंगे. ठीक है, तो वो हमको फ्यूचर में हेल्प करते हैं, तो ये भी उसका पॉइंट है कि दे विल वैल्यू इन फ्यूचर. ठीक है, इसके एग्जाम्पल है जैसे कुछ मेडिसिनल हर्ब्स, सम अनआइडेंटिफाइड मिनरल्स. ठीक है, तो ये सब अभी हमें नहीं हेल्प करे ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक, तो कल या कभी फ्यूचर में दे विल हेल्प अस. ओके, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूटिलिटी. ठीक, ये हमारे काम आते हैं. रिसोर्सेज आर फाउंड इन मैनी फॉर्म्स सच एज एयर, वाटर, वुड, गोल्ड, ऑयल, कोल, एनिमल्स एंड प्लांट. तो ये सब टाइप्स में हमारे ये यूज़ होता है. ठीक है, मोस्ट रिसोर्स नीड टू बी प्रोसेस्ड एंड एक्सप्लॉयटेड टू मेक देम यूजफुल. ठीक है, तो उसको हम कन्वर्ट भी करते हैं. जैसे कि वुड होता है, वुड को हम बनाते हैं पल्प में और पेपर में. टी लीव्स को हम प्रोसेस करते हैं, उसे बनाते हैं टी. तो ये सब उनका यूज़ है. ठीक है, सिमिलरली हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं रॉक से. ठीक है, अर्थ क्रस्ट से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक, सेकेंड, क्वांटिटी ऑफन इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी. ठीक है, तो ये यूज तभी होंगे रिसोर्सेज जब वी कैन फाइंड देम इन क्वांटिटी. ठीक है, तो आप जैसे टी बनाना है तो टी का एक का पत्ता से कुछ नहीं होगा, आपको यू हैव टू फाइंड देम इन अबंडेंस. ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ सर्फेस, क्लाइमेट एटसेट्रा, रिसोर्सेज आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द अर्थ. ठीक है, तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऑन अकाउंट ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ सर्फेस, कहाँ, जहाँ पे क्लाइमेट
कहीं सूटेबल होता है, कहीं लैटिट्यूड, कहीं पर टेम्परेचर, तो उसकी वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज कंजम्पशन। जैसे यूज़ होता है वैसे इसकी क्वांटिटी भी होनी चाहिए ज़्यादा, एंड सिमिलरली उसका कंजम्पशन भी हाई होना चाहिए। ठीक है, थोड़े कंजम्पशन में इट विल नॉट बी यूजेबल एंड इट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ रिसोर्स। ठीक, एंड पोटेंशियल फॉर डिप्लीशन एंड कंजम्पशन। ठीक है, सेम पॉइंट, इट शुड बी यूज एंड इट शुड हैव पोटेंशियल फॉर डिप्लीशन ऑल्सो। ठीक है, नाउ व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट विदाउट एनी एक्शन ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, ह्यूमन काइंड का कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जैसे कि एयर हो गई, वाटर हो गई, सॉइल हो गया, तो ये सब भी हमारे लिए रिसोर्स है, पर इसमें ह्यूमन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये नेचर ने हमको गिफ्ट किया है। ठीक, दिस इंक्लूड्स ऑल वैल्यूड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूज, एस्थेटिक वैल्यू, साइंटिफिक इंटरेस्ट एंड कल्चरल वैल्यू। ठीक है, तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम सारे इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं, सारे स्फीयर्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एस्थेटिक वैल्यू, साइंटिफिक इंटरेस्ट और कल्चरल वैल्यू में भी। ऑन अर्थ इट इंक्लूड सनलाइट, एटमोसफेयर, वाटर, लैंड, अलॉन्ग विद ऑल वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ। ठीक है, अब आप देखो ये जो रिसोर्स डेवलपमेंट भी होता है इसका। ठीक है, रिसोर्स डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द नॉलेज ऑफ मैन। अब ये जो हम रिसोर्स को यूज़ करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, वो डिपेंड करता है मैन की नॉलेज पे। ठीक है, उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट पे और द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज अवेलेबल नाउडेज। ठीक है, इन द प्रिमिटिव डेज द नीड्स ऑफ पीपल वर लिमिटेड टू देयर सर्वाइवल ओनली। ठीक, पहले प्रिमिटिव डेज में क्या होता था, अर्ली मैन सिर्फ ही वॉन्टेड फूड एंड ही वॉन्टेड शेल्टर, मगर अब ऐसा नहीं है। दस द अर्ली पीपल वर इंगेज इन ओनली फूड गैदरिंग एंड हंटिंग। एज ह्यूमन बींग्स मेड एडवांसमेंट इन सिविलाइजेशन देयर मेंटल होराइजन बिकेम वाइडर, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड एंड दे स्टार्टेड यूजिंग ऑल द गिफ्ट्स ऑफ नेचर नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल बट फॉर कम्फर्ट एंड लग्जरी टू। तो अब आप देखो रिसोर्सेज का यूज़ बहुत बढ़ गया है, पहले इतने रिसोर्सेज का यूज़ नहीं था। ठीक है, तो अब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एंड ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्सेज को भी हम उसका यूज़ बहुत बढ़ा दिया है। विद द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट एवरीथिंग अवेलेबल ऑन अर्थ हैज़ बिकम अ रिसोर्स। ठीक है, अर्थ में जो भी अवेलेबल है इस नाउ हैज़ बिकम अ रिसोर्स। ठीक, अब नेचुरल रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। रिसोर्सेज मेक अ लाइफ पॉसिबल एंड कंफर्टेबल। ह्यूमन बींग्स क्रिएट वेल्थ आउट ऑफ द रिसोर्स एंड मेक देयर लाइफ प्रॉस्परस। ठीक है, तो रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो, ठीक, लग्जूरियस हो। हम वुड को यूज़ करते हैं, सीमेंट को यूज़ करते हैं, बना के यूज़ करते हैं, वो पल्प निकालते हैं वुड से, वी मेक पेपर। ठीक है, तो इसके वजह से हम वी कन्वर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज इनटू वेल्थ। ठीक है, बाय इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग दीज गुड्स वी अर्न एंड लीड अ कम्फर्टेबल लाइफ। ओके, ये देखो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें नेचुरल एयर मिलती है ब्रीथ करने के लिए, हमें लैंड मिलता है, पानी मिलता है ड्रिंक करने के लिए, वी गेट फॉरेस्ट एंड वी गेट टिम्बर फ्रॉम इट, फूड, फ्रेश एयर एटसेट्रा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज फाउंड देयर। ठीक है, गैस, मिनरल्स एंड मेटल्स आर फाउंड फ्रॉम अ कंट्री एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इंक्रीज्ड बाई इट। कोल गिव्स अस एनर्जी। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये कई बेसिस पर डिपेंडेंट है। फर्स्ट वी विल लुक ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पर बात करेंगे तो ये दो टाइप में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज बायोटिक रिसोर्स एंड द सेकेंड वन इज अबायोटिक रिसोर्स। ठीक है, तो बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, कोई भी रिसोर्स जो कि लिविंग है, जिसमें लाइफ है, आर नोन एज बायोटिक रिसोर्स। तो ये ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सब होते हैं बायोटिक रिसोर्स। ठीक है, अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो रिसोर्स जिसमें कोई लाइफ नहीं होती। ठीक है, दे डोंट हैव लाइफ,
तो उनको कहा जाता है अबायोटिक रिसोर्स, जैसे कि लैंड, मिनरल, फ्यूल्स, एयर, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा। ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं मगर ये हमारी हेल्प करते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिसोर्सेज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। ठीक है, ये सेकेंड बेसिस है। एक होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरा होता है एक्चुअल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसा रिसोर्स होता है जो कि हम अभी करेंटली यूज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस लगता है कि ये कल को रिसोर्स हमें हेल्प कर सकता है। ठीक है, जैसे कि इंडिया बीइंग लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन हैज इनॉर्मस पोटेंशियल ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे बहुत विंड एनर्जी अवेलेबल होती है, सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है, मगर क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज करने के लिए, तो वी आर नॉट फुल्ली केपेबल ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्स। सो दिस इज वन ऑफ द पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसमें देखो यूरेनियम डिपॉजिट्स इन लद्दाख वेरी मच, मगर उसको भी हम अभी यूज नहीं कर सकते ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, सेकंड क्लासिफिकेशन इज एक्चुअल रिसोर्स, जो कि हम अभी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज मे नॉट बी यूज करेंटली बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ देयर बीइंग यूटिलाइज्ड इन फ्यूचर। ठीक है, हमें इनका पता है कि कितने हमारे पास डिपॉजिट्स रखे हुए हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या है, हमें पता नहीं है कि कितने डिपॉजिट्स हैं, कितना यूज हम कर सकते हैं। और एक्चुअल रिसोर्स में क्या होता है कि हमें पता है कि उसकी कितनी एक्चुअल क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे कि कोल डिपॉजिट्स हो गए, और एक्चुअल रिसोर्स में क्या होता है, वो हो सकता है कि वो कल को पोटेंशियल रिसोर्स वो पास्ट में हो रखा हो, ठीक है, और अब वो बन गया हो एक एक्चुअल रिसोर्स। ठीक, एंड इन द न्यू फ्यूचर इट मे ऑल्सो एंड, ठीक है, वो खत्म भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है, दोज रिसोर्सेज हूज एक्चुअल रिसोर्स और क्वांटिटी इज नोन। पोटेंशियल रिसोर्स की हमें क्वांटिटी नहीं पता होती है। ठीक है, और सिमिलरली पोटेंशियल रिसोर्स की तरह ही इसको भी हम करेंटली बहुत यूज नहीं कर सकते, मगर पॉसिबिलिटी है कि इन द नियर फ्यूचर में हम इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स है rich deposits of iron ore in the Deccan Plateau and natural gas in the Gujarat region and are actual resources. ठीक है, here third classification on the basis of exhaustibility. ठीक है, हम देखते हैं कौन से हमारे resources exhaust हो सकते हैं, कौन से finish हो सकते हैं। ठीक है, first is renewable resources. जब हम कोई रिसोर्स को यूज करते हैं वो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, वो खत्म नहीं होते हैं, वो दोबारा रिन्यू कर दिए जा सकते हैं और वो यूज दोबारा किए जा सकते हैं, उनको किया जा कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, द रिसोर्सेज विच आर रिन्यूड आफ्टर यूज एंड डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक, तो इनको फिजिकल और केमिकल चेंजेस इफेक्ट नहीं करते। ठीक है, ये रिसोर्सेज है जैसे कि सनशाइन, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आर ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी क्विकली रिन्यूड आफ्टर यूज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, इनको यूज कर दिया, दे गेट रिप्लेनिश्ड, हम अब उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, दिस इज नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनका बहुत छोटा लाइफ स्पैन होता है और ये कैन नॉट, दे कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। ठीक है, दे आर नॉन लिविंग एंड abiotic resources. These are life supporting resources such as coal, oil, natural gas and even soil. ये दोबारा replenish होने के लिए millions of years लेते हैं। ठीक है, fourth classification is based on ownership. On the basis of ownership, resources can be classified into four different types. First is individual or private resource. Second is national resource, third is international resource and fourth is community resource. ठीक है, first हम discuss करते हैं individual और private resource. अब ये resources होते हैं जो कि own किया जाता है कोई individual से या तो कोई private firm से, ठीक है, और they are groups of company. ठीक, these resources are owned by private or individual and their groups called company such as land and property. कोई एक single person इसको ओन कर सकता है, जैसे कोई एक पर्सन कोई हाउस को ओन कर रखा है, कोई कार को ओन कर रखा है, तो इसको कहेंगे हम प्राइवेट रिसोर्स। आपके आपके फादर की कोई कार है तो ये उनकी एक प्राइवेट रिसोर्स है।
ठीक है, प्राइवेट और इंडिविजुअल रिसोर्स है, ठीक है। सेकंड, नेशनल रिसोर्स, रिसोर्सेज ओन बाय लोकल स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट लाइक फॉरेस्ट माइन मिनरल पार्क एंड रिवर आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे तो ये एग्जांपल है रेलवे का, ये आप प्राइवेटली ओन नहीं कर सकते, ये नेशनली ओन किया जा सकता है बाय लोकल स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। जो गवर्नमेंट नेशनल या लोकल या स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है जो भी रिसोर्स, वो कहते हैं हम नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। रेलवे हो गया, हाईवे हो गया, कोल माइंस है, तो ये दीज आर ऑल ओन बाय गवर्नमेंट, ठीक। सो दिस इज नोन एज नेशनल रिसोर्स। नाउ इंटरनेशनल रिसोर्स, रिसोर्सेज ओन जॉइंटली बाय गवर्नमेंट ऑफ टू और मोर कंट्रीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्स, ठीक है। दो कंट्री एक रिवर शेयर कर रही है, जैसे गंगा हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया, तो ये शेयरिंग हो रही है चाइना और नेपाल और इंडिया में, तो इस रिसोर्स को कहेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र को हम कहेंगे इंटरनेशनल रिसोर्स, बिकॉज दिस इज हेल्पिंग थ्री नेशंस एट अ टाइम, ठीक है। तो ये अकेले की इंडिया की नहीं हुई, दिस इज ओन बाय थ्री डिफरेंट कंट्रीज, इट इज एन इंटरनेशनल रिसोर्स, ठीक है। नाउ कम्युनिटी रिसोर्स, many grazing ground in villages are jointly owned by the community. Similarly, many tribes consider land as a community resource and do not believe in private ownership of land. ठीक है, जैसे कोई पार्क हो गया, ठीक है, कोई टेम्पल हो गया, तो ये सब जो है रिसोर्स जिसको कहेंगे एक कम्युनिटी ओन करती है, ठीक है। पार्क है, पंचायत है, भवन है, कुछ फॉरेस्ट है, सेक्रेट ग्रोव्स है इन पार्ट्स ऑफ इंडिया और हायरोग्लिफ टाइप ऑफ सेंचुरी इन अलवर राजस्थान, ये सब कम्युनिटी रिसोर्स है, ये कोई प्राइवेटली ओन नहीं कर सकता, दिस आर ओन बाय कम्युनिटीज, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कम्युनिटी रिसोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन को कई सारी फैक्टर्स पे डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी रिसोर्स का अवेलेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स, जैसे कि हो गया लैटिट्यूड, उसका क्लाइमेट, उसका टेम्परेचर, सो दिस ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द ऑन द मेनी फैक्टर्स, ठीक। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर जियोग्राफिक स्पेस फ्रॉम अ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ इज हाईली अनइवन, क्योंकि एक जगह पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, दूसरी जगह पर टेम्परेचर बहुत कम है, इस वजह से रिसोर्सेज इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचर डिपेंड्स अपॉन मेनी फिजिकल फैक्टर्स लाइक लैंड, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड। Distribution of resources is unequal because these factors differ from place to place on this earth. The factors that generally determine the distribution of localized resources are both natural and human. ठीक है, दोनों पे depend करता है. First we'll see natural resources. ठीक, natural factors. Sorry, it is wrongly written over here. First is natural factors. First factor is latitude. Low latitude receives more sun's energy and more precipitation, while high latitude or those closer to poles receive less energy of the sun or too little precipitation. ठीक है, sun की energy बहुत low latitude पे मिलती है, मगर high latitude पे we don't receive sun's energy much. ठीक, तो biotic resources कहाँ होते हैं? Biotic resources are found less near the pole. Poles में आपको बहुत biotic resources नहीं मिलेंगे, मगर near the equator बहुत सारे biotic resources will be available. Second is relief. The difference between the highest and lowest elevation in an area is termed as relief. ठीक है, बहुत ज़्यादा hilly area नहीं हो, highest elevation और lowest elevation में बहुत difference नहीं होगा, तो वहाँ पे we will get fertile soil. ठीक है, तो वो भी एक resource की तरह काम करेगा कि जैसे हाई माउंटेन्स हुए हिमालय, तो वहाँ पे बहुत रिसोर्सेज तो होंगे, मगर वहाँ पे वो दे विल रिमेन अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा जाएंगे नहीं. द एलिवेशन बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट एलिवेशन, द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट एलिवेशन इज टू मच, तो वहाँ पे लोग बहुत जाएंगे नहीं, इसलिए द रिलीफ इज वेरी हाई. ठीक है, क्लाइमेट, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर रिसोर्सेज आर मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट, तो क्लाइमेट बहुत ट्रॉपिकल होना चाहिए, ठीक है, बहुत लो नहीं होना चाहिए, बहुत हाई नहीं होना चाहिए, ठीक.
soils. The soils are a governing factor for growth of both natural and cultivated vegetation. In arid soil, there is very little vegetation, and human and animal habitation are also very sparse. ठीक है, soils के भी कई तरह के types होते हैं, तो उसमें जो fertile soils हैं वो होने चाहिए, वहाँ पे आपको resources अच्छे से मिल जाएंगे. मगर जहाँ पे arid soils हैं वहाँ पे बहुत less vegetation होते हैं, less human and animal habitation होते हैं. ठीक है, the last is tectonic activity. टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होता है, अर्थ क्रस्ट से रिलेट करता है ये, और जो है वहाँ उसके अर्थ क्रस्ट में जो लार्ज स्केल प्रोसेस करते हैं. ठीक, टेक्टोनिक एक्टिविटी रिलेट्स टू स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड लार्ज स्केल प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद इट मेक मेनी मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल ऑन अर्थ सर्फेसेस. ठीक है, जितनी टेक्टोनिक एक्टिविटी होता है वो रिलेट करता है अर्थ क्रस्ट से और लार्ज स्केल प्रोसेसेस से. उसके वजह से क्या होता है, वहाँ पे बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं और बहुत फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं. ठीक, सो दिस इज आल्सो अ नेचुरल फैक्टर. नाउ व्हाट इज ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर रिलेट्स टाइम एंड टेक्नोलॉजी दैट चेंज सब्सटेंसेस फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इनटू रिसोर्सेज. ठीक है, अब ह्यूमन कैसे जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जो सब्सटेंसेस हमको पाए जाते हैं, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे रिसोर्सेज में, इट डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन नॉलेज. जैसे कि रोड्स बना लिया, ट्रांसपोर्ट बना लिया, मशीनरी, टूल्स और साइंटिफिक एडवांसेस जो हम यूज करते हैं सब्सटेंसेस को बनाने में, रिसोर्सेज में. ठीक है, सो दिस ऑल फॉल अंडर दिस ह्यूमन फैक्टर. तो ह्यूमन आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स. ठीक है, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज है, वो आइडियाज है, वो इन्वेंशन है, वो डिस्कवरीज है, जिसके वजह से वो एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, तो क्लास आज हम यहीं तक पढ़ते हैं. हमारे दो और टॉपिक्स रह गए हैं, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा. हमने कई सारे टॉपिक्स कवर कर लिए आज. हमने रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन किया, यूजफुलनेस ऑफ रिसोर्सेज कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज कंप्लीट किया, एंड नेचुरल रिसोर्सेज, देयर इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑल वी हैव डन, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड बोथ ऑफ द फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज नेचुरल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर. ठीक है, तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. ओके क्लास, ओके, विल रैप अप इन हियर ओनली.